वमा खलकतुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। आदरणीय हमारे सभापति महोदय, प्रधान अध्यापक, शिक्षक, मुख्य अतिथिगण, अभिभावकगण एवं हमारे आश्रमीन बनास शरीफ पंचाचार के मेरे प्रिय साथी, आज मैं जिस विषय पर चर्चा करने जा रही हूँ उस विषय का नाम है मनुष्य की जन्म का उद्देश्य। ईश्वर ने सबको पैदा किया है, वही सबका स्वामी है, हम सब उसके जन्म जात पर आगे पृथ्वी पर से मनुष्य बसाया, आवश्यकता का सारा सामान दिया, पथ पर दिशा तो नबी भेजे, नबी अपने साथ ईश्वर के ग्रंथ लाए, इन ग्रंथ में ईश्वर के आदेश होते थे, मनुष्य को अपने जीवन बिताने के ढंग होते थे। अंत में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पधारे, ईश्वर ने आपके हाथ पवित्र कुरान भेजा है, इसमें मानव जाति के लिए आदेश है, ईश्वर की दूतों की कथाएं हैं, इनमें आज्ञाकारी के लिए परितोषी का शुभ समाचार तथा विद्रोहियों के लिए डर का चेतावनी है। कुरान अल्लाह का अधिकार अपने वक्त पर है कि उसकी उपासना करो तथा उसके साथ किसी को सम्मिलित ना करो, विदंत उसके साथ किसी को सम्मिलित ना करो, ऋग्वेद के ऋग्वेद अल्लाह के उपासना का संदेश दिया गया है, कहा चाहिए। मेरे सफाचियों, इसी पर अल्लाह के कुरान में भी विभिन्न स्थान पर संदेश है, माना तुम मिले नहीं ही गए हो, अल्लाह के अतिरिक्त तुम्हारे कोई पूंछ नहीं है, इसीलिए सब मानव जाति को केवल एक ही अल्लाह के पास भक्त तथा पूजा करनी चाहिए, केवल एक ही अल्लाह ही सबने सब कठिनाइयों तथा समस्याओं का समाधान कराना चाहिए, क्योंकि उस अल्लाह को छोड़कर हमारे कोई राजा है पिता नहीं है। विद्वत के अनुसार वैदिक धर्म में भी एक अल्लाह की उपासना का संदेश तथा उसका स्वीकार किया गया है, कहा कि एक कम्बर मादी दिया नास्ते नेने नास्ते किंचन, केवल एक ही अल्लाह है, दूसरा नहीं है, नहीं है, नहीं, पर मन का बराबर भी नहीं। प्रिय साथियों, कुरान की भाषा अरबी है, नीचे हम कुछ आयत के अनुमत देते हैं, इससे तो मानव मन कर सकोगे, ईश्वर ने मानव जाति के लिए पत्थर जैसा ना तो कैसे अच्छी अच्छी बातें बताई है, कहता है ए मोहम्मद उनसे कहो आओ मैं तुम्हें सुनाता हूँ तुम पर तुम्हारे पर होने क्या क्या प्रतिबंध लगाई है, वो अब्दुल्लाह वाला तुशबू भी है या कि उसके साथ किसी को साझी ना बनाओ, नंबर दो माता पिता के साथ साथ व्यवहार करो, नंबर तीन मेरे दादा के भाई अपने संतान का वध न करो, हम तुम आजीविका देते हैं उनको भी देंगे, निर्लज्जता के बाप के निकट भी ना जाओ चाहे वो खुली हुई हो या तो छुपी हुई, वला तक्तुलू नफ्स अल्लती हराम अल्लाहु इल्ला बिल हक, नंबर पांच और ईश्वर ने जिस किसी जान को हराम ठहरा है मत मारो मगर हक के साथ, देखा तुमने या बेस कितना कल्याणकारी है, ईश्वर ने जिन बातों से रोका है वो हमारे लिए कितनी हानिकारक थी और जिनको पकड़ने का आज्ञा दी है वो हमारे लिए बहुत हो। उदाहरण स्वरूप प्रथम आदेश पर विचार करें, ईश्वर ने मनुष्य को सर्वोच्च पद पर ध्यान का अपने प्रतिनिधि बनाया, फरिश्तों का प्रतिनिधि कराया, अपने श्रेष्ठ में सबसे श्रेष्ठ बनाया, भला बताओ वो कब पसंद कर सकता है कि हम अपने से छोटों या अपने घर से लोग के सामने झुक कर अपना मान घटाए, जन्म तो उसी ने दिया है, खिलाता पिलाता वही है, सारी आवश्यकता का पूरा वही करता है, यदि हमसे छोटे किसी आने के कीर्तक बने तो हमारे लिए कितनी बड़ी भूल होगी, इसीलिए ईश्वर ने किसी आने की साझी ठहराने से रोका है। अब दूसरे आदेश के लोग और तक माता पिता के सद सद्व्यवहार करो, जरा सोचो तो सही माता पिता ने हम पर कितने उपकार किए हैं, हम विवाह से उन्होंने हमें पाला पोसा, हमारे लिए अनेक कष्ट सहे, प्रेम से पालन पोषण शिक्षा दीक्षा का प्रबंध किया और यह सब कुछ निस्वार्थ होकर क्या पाए, हमारे यहाँ पुनित कर्तव्य है कि जब हम बड़े हो गए उनकी आज्ञा पालन सेवा तथा आदर करें, उनकी झिड़कियों को आदर ठीक से सहन करें, ईश्वर यह कदापि नहीं चाहता कि हम प्रतिज्ञा बने। प्रिय साथियों, वो अल्लाह जो हमें उत्पन्न किया है जो तमाम देवताओं का एक देव है उसी की पसंद एवं पूजा करनी चाहिए, मनुष्य को अपने पापों का अंत कराना चाहिए। अब मैं अंतिम में ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि हम तमाम मुसलमान भाई बहनों को कुरान की इस अंतिम निजदूत के मर्ग पर चलने में हमें मर्द सिख बनाए रखे, आमीन। वाह।